गाइस सर, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निहाल दिस साइड। तो जैसा कि आज मेरा हॉलीडे है, और एक्चुअली मेरा हॉलीडे है पर मेरे दोस्त का नहीं है, क्योंकि अभी वो चले गया है। जिससे मैं उठा तो वो चले गया है यहाँ से, क्योंकि उसका कल हॉलीडे होगा, क्योंकि एक एक दिन करके हॉलीडे मिल रहा है हमें। तो अभी मैं अकेला हूँ यहाँ पे घर में, और आज देखते हैं छुट्टी में क्या करता हूँ। पहले तो बहुत सारे काम है, नहाना धोना है, और सुबह कम्बल वम्बल धोने हैं, और बाकी चद्दर उद्दर भी सब धोनी है, और कपड़े वपड़े भी बहुत सारे, वो सब धोने हैं। पहले तो मैं वो काम करता हूँ, पर अभी मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट का इंतजाम करता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर उसके बाद धोते हैं कपड़े वपड़े, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, और इतना सारा कूड़ा यहाँ पे निकला है, देख सकते हैं। ये देखिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आया इतना कूड़ा यार। दिखता तो नहीं था, जब झाड़ू लगाया तो इतना सारा निकल गया। कूड़ा लगाने के बाद जाता हूँ कपड़े वपड़े धोने, ये देख सकते हैं आप, इतने सारे कपड़े यहाँ पर फैले हुए हैं। अभी ये सब कपड़े मुझे धोने हैं, बहुत मेहनत लगने वाली है आज। तो कपड़े वपड़े धोने के बाद देखते हैं दिन में नाश्ता वास्ता करते हैं, कहाँ को जाता हूँ मैं, और आपको आज कहाँ घुमाऊँगा। तो थोड़ी देर में देखते हैं, बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आप कह रहे होंगे क्या हुआ? तो यार मैं बताता हूँ हुआ क्या। अभी मैं कपड़े धो रहा था तो 45 मिनट मुझे लग गए कपड़े धोने में। आज पता चला कि कपड़े कैसे धुलते हैं, मम्मी कैसे कपड़े धुलती है, कितना मेहनत लगती है। भाई वो वाइट शर्ट थी हमारे कॉलेज में, हर होटल में जो वाइट शर्ट चलती है उसको मैं भाई इतना ब्रश मारा, इतना ब्रश मारा, मान के चलो कम से कम वाइट शर्ट में मैंने 50 से 60 बार ब्रश नहीं मारा तब तक वो दाग नहीं हटे, और अभी भी शायद थोड़े थोड़े बचे पड़े हैं। भैया कपड़े धोना यार बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। मैं तो बहुत ही आसान समझता था, जब ब्रश मारने में था तो पता चला कि यार घर में मम्मी कैसे धोती है। तो गाइस कपड़े धोना भी स्टार्ट कर दो, पहले बोल रहा हूँ, और मैंने जुगाड़ कैसे किया है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबके कपड़े लटके हुए थे पहले से, तो यहाँ भी सबने अपना ऐसे से सजाए लटका दी थी। तो अब मैं इनका कहाँ लटकाऊँ, तो मैंने बगल में देखा और यहाँ पे मैंने लटकाया, और लेकिन मैंने कितना अच्छा दिमाग लगाया, देखो दोनों साइड से पिन से बांट दिया है ताकि कपड़े गिरे ना नीचे। और थोड़े कपड़े मैंने ऊपर उधर डाल देखे, आधे कपड़े एक्चुअली ऊपर वाला किसी और का है, पर लेकिन मैं डाल के आ गया, मैंने कहा देखी जाएगी जो होगा। अब मेरा अपना काम चलाना है, क्योंकि यार इंडिया में सबको पता है, अपना काम चलाओ, जुगाड़ करो और आगे बढ़ो। तो यार अभी कपड़े वपड़े जो धुल गए, बहुत हालत ख़राब हो गई है, थोड़ी देर में चलते हैं कहीं। बाकी अभी मैंने नाश्ता वास्ता भी कर लिया है, और थोड़ा बिस्तर विस्तर भी सही करा, बाकी सब ऐसे ही हो रखा है यार। गैस क्या बताऊँ, पहले दिन यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा लग रहा था, सब कुछ एकदम सजा के रखा था, आज देखिए सब ऊबड़ खाबड़, पता नहीं चल रहा है क्या सामान कहाँ है। बाबरे, कोई नहीं गैस यार, अभी से मेंटेन करना सीख लो तुम, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, अभी मैं बता दे रहा हूँ ब्लॉग में। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में, देखते हैं हम कहाँ को जाएंगे। तो यार यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर आ चुका है मेरा, कोई किचन नाम की शॉप से, मतलब रेस्टोरेंट से बनाया था मैंने, वो जोमेटो वाला भैया। तो चलते हैं देखते हैं थाली में कैसे आई है और कैसा होता है। यह है यार किचन की थाली, ये देखिए। तो छोटी थाली थी ये, बाकी डिस्काउंट डिस्काउंट लगा के सही रेट में पड़ गई। तो इसमें थोड़ा चावल है, दो पराठे हैं, और सलाद है, अचार है, पनीर है, और यह है वो दाल। तो ठीक है, बाकी ये क्या है यार, मिल्क किट फाड़ के देखते हैं ज़रा। अच्छा, टिश्यू पेपर, तो यहाँ पे टिश्यू पेपर है। तो यार अब मैं खाता हूँ, उसके बाद हम शाम को जाएंगे घूमने, जैसे कि वहाँ पे छोटे जो नीचे वाले जो पार्क है गोमती रिवर के फ्रंट वाले, तो मैं आपको वहाँ घुमाऊँगा। और तो चलते थोड़ी देर में, बाकी अभी मैं खाना वाना खाता हूँ, दिन हो गई है सुबह से, बस एक कोल्ड ड्रिंक पी रखी है और बिस्किट खा रखा है यार, क्योंकि एक तो कपड़े धो के सब काम करके यहाँ सफाई करके बहुत थक गया हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। ये देखिए, आहा, अब आएगा मज़ा। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, चलते हैं फिर चलेंगे पार्क में और मारेंगे मस्ती। तो गाइस यार जैसे कि मैं अभी निकल गया हूँ थोड़ा घूमने के लिए, शाम हो गई है, तो देखता हूँ थोड़ा घूम के आता हूँ इधर उधर, फिर उसके बाद घर को जाता हूँ। बाकी कल फिर से मेरी ड्यूटी है, अभी मेरा दूसरा दोस्त भी आने ही वाला होगा, शायद 1 घंटे में आ जाएगा।
यार अभी पार्क में देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो वो है, अभी मैं उसके पास आपको ले आता हूँ, दिखाऊंगा। वहाँ पे हाथी बने हैं बहुत सारे, शायद यहाँ पे हाथी का ही कुछ है मेन चीज़, क्योंकि हर जगह गेट के आगे हाथी, वो जो अम्बेडकर पार्क है वहाँ बहुत बड़े बड़े हाथी है, बहुत सारी मूर्ति है, और गेट की स्टार्टिंग में हाथी है, यहाँ हाथी है, तो कुछ है इसकी मैं हिस्ट्री में बताऊँगा आपको जब मैं अम्बेडकर पार्क जाऊँगा तब। और बाकी ये देखिए यहाँ पे यार घूमने का तो बहुत अच्छा है, शाम को अपना आए सुबह घूमा। ये देखिए गाइस पूरा एकदम मस्त है, रोड जैसी है, टाइल्स बिछा रखी है, और यहाँ पे बढ़िया आकर के एरिया है, यहाँ पे घूमो अपना फर्स्ट करके। ये देखो यहाँ पे घूमो मजे करो। भाई यार मैं नीचे वाले पार्क में जा रहा था पर वहाँ का मुझे रास्ता नहीं मिला, और बाकी यहाँ पे दो और ये देख सकते हैं यहाँ पे दिए जैसे, इसमें भी हाथी बनाया। तो ऐसे यार मैं रास्ता ढूंढ रहा था वाले पार्क में जाने का, जो बगल में पार्क है नीचे नदी के पास, पर यार मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। वहाँ पूरा देखा है वहाँ बंद है, और मैं अब इधर को देखने आ रहा हूँ, यार यहाँ भी बंद है, वहाँ ताला लगा है गेट में, छोटा सा गेट था, समझ में नहीं आ रहा वहाँ के रास्ता कैसे है। तो अभी थोड़ी देर में जाते हैं वहाँ को हम, बाकी अभी चलते हैं घर को, क्योंकि बेलवाल जी घर में आ गए मेरे दोस्त, तो घर को चलते हैं, कल के दिन घुमाऊँगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो यार जैसे कि गाइस सब मैं अले रास्ते आ गया, और यहाँ पर भी है देखिए जंजल जंजल लगी है, पर इसके नीचे से मैं चले जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत बदमाश हूँ। और ये यार मुझे रास्ता शायद मिल गया है उधर वाले पार्क में जाने का, नीचे ये वही रास्ता लग रहा है। और लेकिन देख रात बहुत हो गई है यार, मुझे वैसे तो घर जाना चाहिए, पर थोड़ा सा आपको हल्का सा पार्क दिखा देता हूँ, बाकी सुबह कभी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। एक तो वो अम्बेडकर पार्क है, वहाँ हम जाएंगे बाद में, क्योंकि अभी मेरे पे टाइम नहीं था, जितना टाइम नहीं मिल पाया, बहुत सारे कपड़े धोने थे, काम था और घर की सफाई करनी थी। तो यार यहाँ से रास्ता है देख सकते हो, यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी हाथी बने हुए हैं, यहाँ से रास्ता है वहाँ, और वो देखिए नीचे पार्क बहुत अच्छा है, बगल में नदी है तो बहुत अच्छी हवा चलती है, जैसे कि कपड़ों बताई है कि पानी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उस कारण यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्यारी सी हवा चलती है। जब मैं सुबह जाता हूँ यहाँ से अपने रेस्टोरेंट होटल के ओर, वो देखिए वो होटल है मेरा, वो दिख रहा होगा आपको वो, और ये थोड़ा मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, मैं आएगी हो तो इतना थोड़ा और सही, वैसे भी रात को इतना घर जाता हूँ अकेले दोस्त के साथ तब भी डर नहीं लगती, तो अभी तो शाम ही हुई है, देखिए बहुत हरा भरा जंगल है, यहाँ पे लोग घूमते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, कितने लोग तो साइकिलिंग करने आते हैं। ये देखिए ऊपर वो ब्रिज है जहाँ से मैं रोज जाता हूँ पैदल पैदल अपने होटल, वो देखिए वहाँ पे होटल जाता हूँ मैं, यहाँ से पैदल पैदल जाता हूँ, रेड निकल जाती है। और ये वो पार्क यार, ये इतना लंबा है ना, इतना लंबा है अभी तो मैं गाइस आपको घुमा नहीं सकता, वहाँ पे बहुत दूर तक है ये, यहाँ भी और वो वहाँ भी, वहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारी लाइटें जली है, इधर साइड पे जैसे इतनी लाइटिंग जली है, वहाँ पे छोटे छोटे खंडर भी बने हैं बहुत प्यारे प्यारे, वहाँ भी आपको ले जाऊँगा एक दिन। और यार लेकिन एक बात यहाँ पर सबसे गलत है, वो है पानी में कूड़ा बहुत है, पता नहीं यार ये पानी में कूड़ा क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक, इतना अच्छी खासी रिवर है, इतना अच्छा खासा बगल में व्यू है, पार्क है, और यहाँ इन्हें कूड़ा कर रखा है पूरा, पता नहीं कूड़ा कौन डाल देता है, लगता है सब लखनऊ का कूड़ा इसी नदी में जाता है, गोमती रिवर है ये। वो देखिए गाइस जो नीली नीली परछाई दिख रही है वो मेरे होटल की है, एक्चुअली वो होटल की है, तो वहाँ से उसकी परछाई दिख रही है, वो है देखो यहाँ से कैसे दिखाओ यार, ब्रिज आ गया वो देखो हल्का सा दिख रहा है, वो मेरा होटल है और उसकी परछाई वो पड़ रही है। हाँ गाइस अभी मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए, कुछ खाने के लिए भी ले आता हूँ घर, जलेबी खाने का मन कर रहा है, मिल जाती तो यार बहुत बढ़िया हो जाता, घर जाना चाहिए। बाकी कभी सुबह आऊँगा तो मैं वॉक में, तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगा वहाँ पे जो खंडर है वहाँ पे दिखाऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे फोटो आ सकती है। अरे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से फूल है, पेड़ है।
तो यार ज़रा मेरा छुट्टी का दिन ऐसे ही रहा आज, कहीं इतनी अच्छी जगह आपको घुमा नहीं पाया, क्योंकि यार मैं बहुत थक गया था एक्चुअली। एक हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलती है, तो मैं एक हफ्ते बहुत ज़्यादा थक गया था, और बहुत सारा काम था घर में यार, कपड़े धोए आज और रूम की सफाई की, कपड़े तय किए, और कल के कपड़ों में प्रेस भी की आज ही, तो यार बहुत ज़्यादा थक गया था। बाकी बाद में दिखाऊँगा आपको मैं, ठीक है। और वो है अम्बेडकर पार्क जैसा कि, तो वहाँ भी हम जाएंगे एक दिन। वो देखिए लाइट, स्टेडियम वाली लाइट है, वो बहुत ज़्यादा रोशनी देती है। तो ये था यार आज की वीडियो में मेरा इतना ही था। ऐसा सोच रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा मोमो ले आता हूँ घर के लिए, बेलवाल जी को खिलाऊँगा और अपना भी खाऊँगा। देखते हैं मोमो कितने के मिलते हैं यहाँ पे। भैया मोमो कितने के है? 30 का प्लेट है। 30 का? हाँ। 50 के पैक करने थे, पैक कर दो। मिर्चाई चटनी डाल देना। आज की मेरी ब्लॉग इतनी थी, और मिलते हैं अगली ब्लॉग में, और देखते हैं आपको कहाँ ले जाऊँगा। तो यार गाइस ऐसे मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। बाकी मिलते हैं अगली ब्लॉग में, बाय बाय, सी यू।